ओकी भाभी की बहुत चिंता हो रही है। कितनी बार उनसे बातें करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे बात करना तो दूर, उन्होंने एक बार नजर उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा। जब से मंजीत गई है, उन्होंने ना तो कुछ कहा है और ना ही एक निवाला मुंह में डाला है। अगर वो नहीं रोएंगी तो सच कह रही हो तुम भावना, मंजीत के जाने का बहुत ज्यादा सदमा लगा है कुकी को, लेकिन उसको सच तो स्वीकारना ही होगा ना। एक बार फिर कोशिश करके देखें। देखो कोकी, मंजीत के जाने का हमें भी बहुत दुख है, लेकिन फिर भी तुम्हें ये सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि मंजीत वापस नहीं आने वाली, वो जा चुकी है हमको छोड़कर, और वो अभी कभी लौट कर नहीं आएगी। हमारी तरह आप भी ये सच स्वीकार कर ले तो आपके लिए अच्छा है। समझने की कोशिश करो कोकी, तुम्हारे यूं खाना नहीं खाने से, चुपचाप बैठे रहने से मंजीत वापस नहीं आएगी। मंजीत जहां गई है वहां से कोई वापस नहीं आता है कोकी। देख रही हो ना वृंदा, कोकिला बहू अब तक ये मानने को तैयार नहीं है कि मंजीत अब नहीं है। इनका रोना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में सास बहू से लेकर माँ बेटी के रिश्ते तक सफर तय कर चुकी थी वो मंजीत के साथ। बहुत दिनों बाद दिल जुड़े थे, और इस हादसे के बाद दिलों का टूट जाना जिंदगी भर का सदमा बन सकता है। उसे किसी भी तरह रोना होगा। सितारों को देख रहे हो? कितने खूबसूरत लग रहे हैं आसमान में, जैसे इनकी एक अलग ही दुनिया हो। मेरी दादी कहा करती थी, जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो वो वहां दूर चला जाता है और सितारा बन जाता है, और फिर वहां से अपनों को देखता रहता है। देखो महेश,
मंजीत को भुलाना हम सबके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, जाने वाले के साथ जाया तो नहीं जाता ना, जीना पड़ता है उसकी यादों के साथ। और महेश, तुम्हें इस तरह से दुखी देखकर उसकी आत्मा भी दुखी होगी, वो तो तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहती थी, और इस वक्त वो जहां कहीं भी होगी तुम्हें इस तरह से रोता हुआ देखकर उसे बहुत रोना आएगा। अब तुम दुखी नहीं होगे महेश, तुम्हें खुश रहना है मंजीत के लिए। चलो खाना खा लो। मंजीत की याद के साथ ही मेरे खाने की भूख मिट चुकी है, ना ही खाने का मन करता है ना ही जीने का। जब भी तुम दोनों आती हो तो ऐसा लगता है कि वो कहीं आसपास ही है, अभी मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी वो। मैं जानता हूं कि वो वापस नहीं आएगी, लेकिन जानकी बिंदिया, इस दिल का क्या करूं मैं, जो कुछ सुनने को कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। महेश, संभालो अपने आप को। महेश, तुम्हें अपने आप को संभालना ही होगा। तुम इस तरह आंसू बहा के मंजीत की यादों का अपमान कर रहा है, मत कर ऐसा। हाँ महेश, वो तुम्हें खुश देखना चाहती थी, अपने लिए ना सही पर मंजीत के लिए तुम्हें खुद को संभालना होगा। आज तक कितना कुछ सहा है सुनंदा, कैसे भी परिस्थिति हो कभी हार नहीं मानी मैंने, लेकिन इस लड़की ने हरा दिया मुझे। पूरी कोशिश के बाद भी मैं अपनी मंजीत बेटी को बचा नहीं पाया। इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन सच तो यह है कि आज भी उसके हाथों में कुछ भी नहीं है। मंजीत को जाना तो था ही, लेकिन इतनी भयानक सच्चाई कितनी आसानी से सह गई वो। हमारी छोटी सी मंजीत बहुत बड़ी हो गई। बड़ी तो बन ही गई है, सिर्फ हमें दुख ना पहुंचे इसलिए अपनी बीमारी की इतनी बड़ी बात अपने अंदर छुपाए रखी। आखिरी वक्त तक हम सबकी कितनी चिंता थी उसे, कैसे वादा लिया हमसे कि उसके जाने के बाद न कोई उदास या दुखी होगा। अपने अपने दुख की बात कर रहे हो, लेकिन मेरा क्या, मेरे बारे में सोचा है तूने गोपू? बात मत कर मुझसे, तुम सब लोगों ने मुझसे छुपाया उसके बीमारी के बारे में। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन गोपू, तू तो मेरा अपना बेटा है, मेरा खून, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। सुनंदा, तू तो छोटी छोटी बात भी मुझसे बांटती रही, लेकिन तूने भी मुझे नहीं बताया। तुम दोनों की वजह से आज मैं अपने आप से आके नहीं मिला पा रही हूं।
कितने प्यार से वो मेरे लिए खिचू बनाकर लाई थी, लेकिन मैंने मैंने उसका दिल तोड़ दिया। अब मैं जिंदगी भर कभी खिचू नहीं खा सकूंगी, कभी नहीं, कभी। मेरी बच्ची मुझसे बार बार माफी मांगती रही, लेकिन लेकिन मैंने उसे माफ नहीं किया, मैंने माफ नहीं किया उसे। अरे गुनेगार वो नहीं, गुनेगार तो मैं हूं, तुम्हारी माँ। नहीं, गुनेगार तू है कुपू, तू है, क्योंकि तूने इतनी बड़ी बात अपनी माँ से छुपा रखी। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? आपकी मंजीत ने ही हमें मजबूर किया मीठी बा, मजबूर किया हमें कि हम आपको उसकी बीमारी के बारे में कुछ ना बताएं। वो नहीं चाहते थे कि आपको कोई सदमा पहुंचे, हम सबको खुश देखना चाहती थी वो। आज भले ही हमारे सामने ना हो मंजीत, लेकिन जहां भी है देख रही है हमें, और उसे दुख होगा मीठी बाप आपको इस वक्त इस तरह रोते देख। मैं से पूछे तो मैं तो यही कहूंगी कि मंजीत आज भी हमारे बीच है, माफी मांग रही है आपसे, कह रही है आपसे कि मीठे भाई एक बार खिचू खा लीजिए, विश्वास कीजिए मेरा, मंजीत हमसे कभी दूर नहीं जाएगी, हमेशा हमारे साथ रहेगी, हमारे दिलों में, एहसासों में। लेकिन एक बार मीठे भा माफ कर दीजिए उसे। सिर्फ इतनी इच्छा है कि कोकी भाभी भी इस सच का सामना कर ले। हाँ भावना, उसे इस सदमे से बाहर तो निकालना ही होगा, लेकिन कैसे? मैं मानती हूँ कोकिला बहू, बहुत बड़ा धक्का लगा है तुम्हें, बेटी को पाकर उसे खो दिया है तुमने, लेकिन इस तरह कब तक? अंदर ही अंदर घुटती रहोगे, दर्द को बाहर नहीं निकालोगे तो यह दर्द तुम्हें जीने नहीं देगा। एक बहू को तो खो चुका हूं मैं, अब दूसरी को खोना नहीं चाहता। कि चाची को किसी भी तरह से रुलाना होगा, वरना उनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी। कोई फायदा नहीं, अच्छी तरह से मैं जानती हूं कोकिला को, बहुत जिद्दी है, नहीं रोएगी, हर कोशिश करके देख ली, लेकिन कोई फायदा नहीं। आंसू आना तो दूर, कोकी भाभी ने अभी तक अपनी एक बार पलक भी नहीं झपकाई, वैसे की वैसी बुद्ध बनी बैठी हुई है। होश में आओ कोकिला बहू, होश में आओ, मंजीत अब हमारे बीच नहीं है,
मर चुकी है मंजीत, तुम्हारी मंजीत मर चुकी है अब। आप बिंदिया, मंजीत जब गुरबानी का पाठ करती थी तो कितना अच्छा लगता था ना, अब हम में से कोई भी उसकी आवाज कभी नहीं सुन पाएगा। क्यों? हाँ, अब तो राजमा बनाना और खाना दोनों ही मुश्किल हो जाएगा। जब भी राजमा बनेगा तो मंजीत की याद आएगी, वो बहुत अच्छा राजमा बनाती थी ना। ये देखो, 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 देखो कोकी, तुम्हारी खुशी के लिए यही पहनकर तो नाची थी हमारी बहू। इन्हीं हाथों तुमने अपने इन्हीं हाथों से पहनाए थे घुंघरू, सेम टू सेम, याद है ना कोकी? रहने दीजिए, क्यों रोएंगे ये मंजीत के लिए? मंजीत लगती क्या थी इनकी? सास बनने का तो सिर्फ ढोंग किया आज तक। दुख इन्हें तब होता जब मंजीत के लिए कोई फीलिंग्स होती इन्हें। मंजीत को अपना मानना तो दूर, दुश्मन थी ये मंजीत की। अच्छा हुआ ना कोकिला जी, पिंड छूटा मंजीत से, घर से क्या दुनिया से ही चली गई। आप तो खुशियां मनाएंगे, आप क्यों कोशिश कर रहे हैं जी काका? मंजीत लगती क्या थी इनकी? दिन भर ताने कसती रहती थी, दुश्मन बनाकर रखा था मंजीत को इस घर में। जारे मंजीत, इतनी छोटी सी जिंदगी लेकर आई थी लेकिन आपने उसे चैन से कभी जीने नहीं दिया। बार बार ताने कसती रही, बार बार बेइज्जत करती रही उस लड़की को, और वो बेचारी माँ का दर्जा देती थी कोकिला जी को। उसे क्या पता था जिसे वो माँ कहती है वही इस घर में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अरे खुशियां मनाइए कोकिला जी, मर गई मंजीत। और ये क्या ढोंग लगा रखा है आपने? क्या ये? क्यों मंजीत की चीजों को यहाँ सबके सामने दिखावे के लिए रख रखा है आपने? उसे तो लगा कि मेरी माँ ने मेरी चीजें संजो कर रखी, समेट कर रखी, क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करती है। उसे क्या पता था कि कोकिला जी का ये सिर्फ दिखावा है। क्यों रोएंगे ये मंजीत के लिए? यहाँ क्यों पड़ा है? जानकी बिंदिया जाओ, मंजीत का सामान लेकर आओ, उसे जला दे तो ही अच्छा। कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरी मंजीत की चीजों को। मंजीत को तो खो चुकी हूँ मैं, उसकी यादों को खोना नहीं चाहती। अगर किसी ने मेरी मंजीत की चीजों को हाथ लगाया ना तो डोंट बी बैड। लेकिन आपको जितना सुनाना है वो मुझे सुनाइए, लेकिन मेरी मंजीत की चीजों को मुझसे दूर मत कीजिए। मेरी मंजीत की याद को मुझसे दूर मत कीजिए, मंजीत की यादों को मुझसे दूर मत कीजिए।